इन दिनों उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं और यात्रा मार्ग से होते हुए कई मंदिर अपना खास महत्व भी रखते हैं, जिन्हें लेकर बेहद खास मान्यताएं हैं। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है उमा देवी मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम के निकट माँ उमा देवी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग माँ उमा शंकरी के नाम से भी जानते हैं। उमा देवी मंदिर में माँ उमा की पूजा कात्यायनी रूप में की जाती है। उत्तर भारत में एकमात्र माँ उमा शंकरी का यह जन्म स्थान, अर्थात यहाँ पर माँ उमा देवी की तपस्वी रूप में विराजमान माँ उमा देवी विराजमान है। यहाँ पे माँ उमा देवी कन्या रूप में विराजमान है। यहाँ पे तीन रूप साक्षात रूप से विद्यमान है, उमा अर्थात कन्या, नंदा पार्वती अर्थात विवाहित रूप में, तीसरा रूप में है चंडी माई, तीन रूप में विराजमान। यहाँ पे शिव साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ पे जो पौराणिक रूप से विद्यमान है वो है माँ उमा देवी तपस्वी रूप। यहाँ पे जो मुख्यता है, यहाँ पे माँ उमा देवी का कन्या रूप में तीन मंदिर बतलाए गए हैं, एक टीरी में, एक चांदपुर गढ़ी सैनी में और एक चांदपुर गढ़ी जो मुख्यतः विराजमान है कर्णप्रयाग क्षेत्र, जिसे स्कंद पुराण कहते थे, वो विराजमान माँ उमा देवी का मंदिर यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे जो पीठ है ये है उमा शंकर, यहाँ पे सौम्यता कन्या रूप में विराजमान है। यहाँ पे भगवती, इसलिए यहाँ पे भगवती के तीन रूप हैं, कन्या रूप में उमा शंकरी, विवाहिक रूप में जिसे नंदा भी कहते हैं, गौरा भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं, तीसरा रूप है यहाँ पर चंडी माई। तीन रूप में विराजमान माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है, अपने समस्त परिवार, अपने गण, अपने वीरों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। मुख्यतः यहाँ पे जो भगवती के वीर हैं यह भूमि दो की है, लाटू जो भाई है, जितने भी देवी के भाई हैं वो है लाटू देवता, भूमि दो की है उमा और भाई लाटू देवता की। यहाँ पे मुख्य वीर के रूप में उपस्थित है हनुमान जी, जो नवरात्रों समक्ष खड़े हैं, नवरात्रों में सर्वप्रथम ध्वजा रूप में विराजमान ऊपर हनुमान जी का होता है, तब जाके यहाँ पे हरियाली पड़ती है। चमोली के कर्णप्रयाग से न्यूज 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।